पीकू की इस आवाज के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांग चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, पीकू आवाज दे रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने नहीं लिखा है। वो ये कहानी देवेंद्र कुमार सर ने लिखा है। बहुत प्यारी कहानी है। अभी हम लोगों के यहाँ भंडारा शुरू होने वाला है और अक्सर ये कहानी आपको अपने इर्द गिर्द देखने को मिल जाएगी। पूड़ी बाबा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। पूड़ी बाबा। पूड़ी बाबा। आज रविवार है और धनराज हलवाई की को एकदम फुर्सत नहीं। पहला कारण है, रविवार को ज़्यादा घरों में नाश्ता नहीं बनता है और लोग धनराज की दुकान से नाश्ता लेकर जाते हैं। और दूसरा उससे भी बड़ा कारण है कि हर रविवार को मोहल्ला समिति द्वारा लंगर का आयोजन किया जाता है। लंगर में परोसी जाने वाली पूड़ी सब्जी हलवा धनराज की दुकान से ही तैयार किया जाता है। लंगर में आसपास के रिक्शा वाले, कामगार और बहुत तरह के लोग आ जुटते हैं, इसलिए रविवार के दिन धनराज की दुकान के आसपास भीड़ जमा हो जाती है। लंगर या मुक्त भोजन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलता है। उसके बाद एकदम सन्नाटा पसर जाता है। दूर दूर तक जूठन तथा प्लास्टिक की गंदी प्लेटें पड़ी हुई होती हैं जो देखने में बुरा लगता है, पर कोई उपाय नहीं क्योंकि सफाई करने वाला तो शाम को आता है। बिखरी जूठन और गंदी प्लेटों के ढेर पर कुत्ते मुंह मारते रहते हैं। कई बच्चे उनमें से अपने खाने का सामान जुटा लेते हैं, अधिक खाई पूड़ियाँ और बचा खुचा हलवा बटोर कर। रामदास बाबू पास ही रहते हैं। उन्हें हर रविवार को होने वाला ये लंगर और बाद में फैली गंदगी बहुत बुरी लगती है। उन्होंने कई बार धनराज से शिकायत की, प्लेटों से जूठन चुकते बच्चों को भी डांट कर हटाया, लेकिन सब कुछ वैसे ही चलता रहा। पिछले रविवार को रामदास बाबू गली से निकले तो देखा कई बच्चे जूठन बीन कर खा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये बच्चे उन कामगारों के हैं जो सुबह काम पर निकल जाते हैं। एक छोटी बच्ची आपस में लड़ते हुए बच्चों को दूर खड़ी हुई देख रही थी। रामदास बाबू झुककर उसके पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं, बेटी क्यों रो रही हो? बच्ची सुबकते हुए कहती है, उसने मेरी पूड़ी छीन ली, मुझे भूख लगी है। वो बच्चों के झुंड की तरफ इशारा कर रही थी। वहाँ जूठन के लिए अभी भी छीना झपटी चल रही थी। पता नहीं वह बच्ची किसकी शिकायत कर रही थी। रामदास बाबू बच्ची का हाथ पकड़कर धनराज हलवाई के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं, इस बच्ची को कुछ खाने के लिए दो। धनराज ने एक पत्ते में दो पूड़ियाँ और हलवा रखकर बच्ची की तरफ बढ़ा दिया। वो वहीं बैठकर वो पूड़ी और सब्जी खाने लगी। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बच्ची के हाथ से पूड़ी और सब्जी छीन कर लेकर भाग गया। बच्ची फिर रोने लगी। रामदास बाबू ने जूठन पर लड़ते बच्चों के झुंड की तरफ देखा, पर उस बच्चे को पता ना चला कि जो पूड़ियाँ छीन कर लेकर भाग गया था वो बच्चा नहीं दिखाई दिया। इस बार रामदास बाबू उसके पास सावधान खड़े हो गए बच्ची को और कहा कि इसको पूड़ियाँ और दे दो। तभी धनराज हलवाई ने कहा, बाबूजी ये तो हर रविवार का तमाशा है। भीड़ में बच्चों की कोई नहीं सुनता, इसलिए बेचारे जूठन बीन कर संतोष कर लेते हैं। बच्चों को तो छोड़िए, यहाँ तक तो बड़े लोग भी मारा पीटी धक्का मुक्की करते रहते हैं इस मुक्त की दावत के लिए। रामदास ने धनराज की बात का जवाब ना दिया। उनकी आंखें अब भी जूठी प्लेटों पे अपने लिए जूठन बीनते बच्चों की ओर लगी थी। वो बढ़कर बच्चों के झुंड के पास जा पहुँचे, बोले,
पूरी हलवा खाओगे? उनकी बात सुनकर झुंड से आई आवाज, वो बच्चे चिल्लाने लगे, पूरी हलवा, पूरी हलवा। तो चलो हलवाई के पास दुकान पर चलते हैं, लेकिन पहले जूठा जूठन फेंको, रामदास बाबू ने कहा बच्चों से। बच्चे दौड़कर हलवाई के दुकान के पास जाकर खड़े हुए। वो चिल्ला रहे थे, पूरी हलवा, पूरी हलवा। रामदास बाबू ने धनराज से कहा, इन बच्चों के लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दो। धनराज पूड़ी बनाने लगे। रामदास बाबू ने कहा, बच्चों जरा देखो तो, सब तरफ कितनी गंदगी फैली हुई है, पहले हम सफाई करेंगे, इसके बाद फिर पूड़ी हलवा खाएंगे। रामदास बाबू ने धनराज से दो बड़े काले बैग लिए और फिर झूठी प्लेटें उसमें डालने लगे। इस काम में बच्चों ने भी हाथ बटाया। थोड़ी ही देर में दूर दूर तक फैली हुई गंदी प्लेटें जूठन उन थैलों में समा गई। अब वहाँ गंदगी नहीं थी, पूरी हलवा, पूरी हलवा, बच्चों का झुंड चिल्लाया। रामदास बाबू ने कहा, क्यों गंदे हाथ से पूरी हलवा खाओगे, पहले हाथ साफ करो। उन्होंने कहा दुकानदार से पानी मांगा हाथ धुलाने के लिए बच्चों का, फिर अपना अंगोछा आगे कर दिया कि बच्चे उसमें हाथ पूछ कर पूरी हलवा खाएं। तब तक गरम गरम पूड़ियाँ तैयार हो गई थी। उन्होंने धनराज से कहा तो उसने नौकरों से दरी मंगवा दी। दुकान के पास दरी बिछ गई थी। अब गरम गरम पूड़ी और हलवा, हलवे की बारी थी। बच्चे बैठकर चुपचाप भोजन कर रहे थे। आते जाते लोग उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहे थे। रामदास बाबू घूम घूम कर बच्चों से पूछ रहे थे कि उन्हें और कुछ तो नहीं चाहिए, और तो उन्हें नहीं खाना है। और धनराज का नौकर परोसता जा रहा था। बच्चों की दावत ख़त्म हुई। अब वो एक तरफ खड़े रामदास बाबू की ओर देख रहे थे। रामदास बाबू ने कहा, बच्चों जाने से पहले अपनी जूठन तो साफ कर दो। बच्चों ने अपनी अपनी जूठे प्लेटें उठाई और काले बड़े बैग में डाल दिया। उसके बाद दुकान के नौकर ने बच्चों के हाथ धुला दिए। तभी एक बच्चे ने कहा, अब पूरी कब मिलेगी? रामदास बाबू हंस पड़े। उन्होंने कहा, अगली दावत अगले रविवार को होगी, लेकिन एक शर्त है, तुम सब जूठी प्लेट में खाना नहीं खाओगे, ना ही जूठा बीन कर खाओगे। नहीं लेंगे हम, गरम गरम पूड़ी खाएंगे, बच्चों ने एक ही स्वर में कहा। वह हंस रहे थे। धीरे धीरे बच्चे इधर उधर बिखर गए। अब वहाँ ना जूठी प्लेटें थीं, ना जूठन चुकते हुए बच्चे, ना कोई गंदगी थी। रामदास बाबू ने धनराज को पैसे दिए और कहा, बाबूजी आपने यह क्या मुसीबत मोल ली ले ली, अब हर रविवार को ये बच्चे आपको परेशान करेंगे। रामदास बाबू ने कहा, जब मोहल्ला समेत बड़ों के लिए लंगर लगाती तो बच्चों के लिए दावत क्यों नहीं? वो जूठी प्लेटों से जूठन बटोर कर क्यों खाएं? और हाँ, तुम यहाँ एक बड़ा डस्टबिन रखवा दो। ग्राहकों से कहो कि जो जूठे दोने पत्तल सब डस्टबिन में डालें। मैं मोहल्ला समिति से बात करूँगा कि वह केवल भोजन का ही ना प्रबंध करें, बाद में सफाई भी करवाएं। अगर ये जूठन ना बिखरी होती तो बच्चे जूठी प्लेटों से कभी खाना नहीं खाते। अगला रविवार आया, सब कुछ पहले की तरह हुआ, लेकिन उस दिन ना कहीं जूठी प्लेटें ख़त्म हुई, बिखरी हुई थी, और ना ही बच्चे इस तरह के खाने के लिए परेशान हुए थे। लंगर ख़त्म होने के बाद फिर रामदास बाबू ने बच्चों को दावत दिया। खाना ख़त्म होने के बाद उन बच्चों ने पूछा, दावत तो हो गई, अब क्या करेंगे? हम तो खेलेंगे। तो रामदास बाबू जी ने कहा, ठीक है, तो आज मैं भी खेलूँगा तुम सबके साथ। रामदास बाबू बच्चों के झुंड को बाग में ले गए। वहाँ बच्चों की झुंड को बैठा कर उन्हें कहानियाँ सुनाई, और वो उन्हें बहुत सी कहानियाँ याद थी, तो बच्चों को उन्होंने मोटिवेशनल कहानियाँ और कुछ अच्छी कहानियाँ सुनाई।
सारे बच्चे उनकी कहानियों में, उनकी बातों में रम गए। रामदास बाबू कुछ सोच रहे थे, जैसे क्या कि इन बच्चों की पढ़ाई का क्या प्रबंध किया जाए। उनके दिमाग में कई योजनाएं घूम रही थी। हर योजना के बीच बच्चे थे जो कभी जूठन में खाना ना ढूंढने, उन्होंने सोचा कि वो उन बच्चों को कभी जूठन में खाना नहीं ढूंढने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देवेंद्र सर की कहानी और पूड़ी बाबा देवेंद्र कुमार सर की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। और ये बहुत प्यारी कहानी है। अभी हमारे यहाँ लंगर स्टार्ट हो जाएंगे। लंगर हमारे यहाँ क्या, लंगर तो चलते ही रहते हैं, कभी गुरुद्वारा के लिए, कभी अभी बड़ा मंगल शुरू हो जाएगा उसमें भी काफ़ी लंगर लगते हैं। लंगर लगाना अच्छी बात है, लेकिन लंगर के बाद जो सड़कों पर गंदगी फैल जाती है, जिसे हमारे जानवर खाते हैं, हमारे कुछ भूखे बच्चे भी उसमें से निकाल के खाते हैं, और इस तरह गाय भी खाती हैं, गाय या जो भी जानवर आते हैं वो सब खाते हैं, तो ये उनको नुकसान करता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग लंगर ज़रूर लगवाइए, लेकिन आप वहाँ पर एक बड़ा डस्टबिन या कुछ ऐसा रख दीजिए जिसकी वजह जो वहाँ के लोग खाना खाएं तो उसको उस डस्टबिन में डालें, ताकि सड़क पर गंदगी ना फैले, और आप तुरंत ही उसको उठवा कर कहीं फेंकवा दीजिए, ज़मीन में गड़वा दीजिए, या तो उसमें उसको जला दीजिए, या और अगर नहीं है तो आप कहीं भी खोद के, मिट्टी खोद के उसमें उसको डलवा दीजिए, तो वो खुद ही सड़के कंपोस्ट बन जाएगा और जो है किसी को भी नुकसान नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि लंगर लगाना कोई गलत बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने प्राकृत का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए सड़कों पर। और ना लंगर जब लगाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि बड़े बच्चे बूढ़े सब इतना धक्का मुक्की करते हैं, तो उनसे आप लोग कहिए कि आप लोग लाइन से आइए, सबको मिलेगा, सब लोग आराम से ले जाइए। तो धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट तक कर लेते हैं लोग, जो कि गलत बात है, और जो है गंदगी तो फैलाते हैं। उन लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब पूड़ी खाते हो और इसके बाद प्लेट्स को इधर उधर फेंक देते हो, ग्लास में पानी पीते हो, शरबत पीते हो, तो आप लोग इधर उधर फेंक देते हो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करा करिए। आप लोग उसे एक जगह पे, अगर डस्टबिन नहीं रखी हुई है तो एक जगह पे आप लोग उसे रखिए, ताकि उठाने में भी लोगों को दिक्कत ना हो, और वो उस चीज़ को उठा कर अच्छे से कहीं मतलब वैसी जगह पर डाल दिया जाए जहाँ पर वो सड़ जाए या कंपोस्ट बन जाए, जो भी है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लास्टिक दोनों का मत इस्तेमाल कीजिए, आप लोग कागज़ वाले दोनों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो मिट्टी में मिलते ही गल जाए। वरना क्या होता है कि जब हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो या तो उसे जलाया जाए, जिससे धुओं से भी वातावरण में जो है सब फैलता है, और या तो फिर जो है आप दोनों का जब तो इसके कागज़ के पत्तल का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम वो मिट्टी में जब जाएगा तो खाद बन जाएगा, तो वो अच्छा ही रहेगा। तो आप लोग अपने प्राकृतिक का भी ध्यान रखिए, और हमारे जो है लोगों की सेवा भी करते रहिए, और ध्यान रखिए कि बच्चों को जूठन मत खाने दीजिए। आप उनके लिए एक अलग सा इंतज़ाम करवा दीजिए, या जो भी है, बच्चों का भी होता है, बच्चे धक्का मुक्की बहुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सर की कहानी मुझे अच्छी लगी, इस वजह से मैंने आप लोगों को सुनाई, और बहुत प्यारी कहानी है, सर बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। तो मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार पिकू को फिर बुलाऊं, देखूं आवाज़ देता है। आज आवाज़ नहीं दे रहा मेरे यहाँ पिकू है, वो शैतान है, नहीं आवाज़ दे रहा है, भाव बहुत खाता है।